हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अमेजिंग हैं। दोस्तों, बेबीज ऑफ ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम के बेबीज कैसे होते हैं, उनके चाइल्ड कैसे होते हैं, आगे कैसे बॉर्न होता है, वो खुद इस जर्नी में क्या एक्सपीरियंस करते हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन की मैरिज डिवाइन मस्कुलिन से हो जाए, एनर्जी मैच हो, वाइब्रेशन सेम हो, तो आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस हो जाते हैं? एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम एनर्जी के तरीके से भी समझेंगे, साथ में फिजिकल रियूनियन जब हो जाता है तब एक्चुअली क्या होता है या मैरिज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूँ दिष्टो। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की ये डिमांड थी कि सर, मेरी मैरिज डिवाइन मस्कुलिन से नहीं हो पाई है, ये ट्विन फ्लेम का रियूनियन नहीं हो पाया है, एक दूसरे से मैरिज नहीं की है। तब एक्चुअली चाइल्ड कैसे होती है लाइफ में, कैसा उनका करियर और ग्रोथ होता है, मेटेरियलिस्टिकली उनकी लाइफ कैसे जाती है, स्पिरिचुअली इमोशनली वो कैसा फील करते हैं, किस स्टेज पे वो जा पाते हैं। देखिए, अगर हम इस जर्नी को समझ रहे हैं तो ये जर्नी ओनली फिजिकल नहीं है, इसमें आपकी बॉडी के अलावा आपकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब मैं ट्विन फ्लेम की बात करता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा आप रनर हैं या चेजर हैं, आप डीएम हैं या डीएफ हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं एक डीएम के फॉर्म में हूँ या डीएफ के फॉर्म में, कोई भी जिसके अंदर इंट्यूशन एबिलिटी ज़्यादा है, जो फीलिंग वाइज ज़्यादा सेंटर्ड कॉन्शियसनेस है या इंट्यूशन एबिलिटी ज़्यादा है, डेफिनेटली वो एक डीएफ होगा, डिवाइन फेमिनिन होगा। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बॉडी वाइज मैटर ये नहीं करता है। लेकिन ऐसे लोगों की मैरिज अगर होती है तो आगे चाइल्ड कैसे होते हैं, अगर एक दूसरे से पहले मैरिज हो जाए, तब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि अगर दूसरे से मैरिज नहीं होती है तब कैसा होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम अपने फुल पोटेंशियल पे जो हैप्पीनेस है वो हमको चाइल्ड से आती है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ जर्नी में होते एक्सपीरियंस करते लेकिन मैरिज नहीं हो पाती। लेकिन इसके अपोजिट, जब ट्विन फ्लेम का रियूनियन हो जाता है, हमेशा के लिए मैरिज हो जाती है, स्पिरिचुअली ग्रोथ भी कर रहे हैं, मेटलिस्टिक भी ग्रोथ कर रहे हैं, बैलेंस हैं, तब एक्चुअली जो चाइल्ड होगी वो हायर लेवल की कॉन्शियसनेस होगी। बिकॉज प्रेम के माध्यम से जो भी संतति, संतान, जो चाइल्ड, जो बेबीज आगे पैदा होते हैं वो हायर कॉन्शियसनेस के होंगे। दोस्तों, चाइल्ड को बॉर्न लेने के लिए हायर लेवल की कोख अवेलेबल नहीं है, कोख बहुत कम मिल पाती है जो हायर कॉन्शियसनेस की हो। लेकिन अगर दोनों लोगों की वाइब्रेशंस यहाँ पे मैच कर रही होंगी, दोनों लोगों की एनर्जीज मैच कर रही होंगी, तो डेफिनेटली चाइल्ड जो होती है बेहतर स्थिति पे होती है। इसके अपोजिट, अगर एक दूसरे की एनर्जी मैच नहीं कर रही होगी, एक दूसरे से एकदम डिफरेंट एनर्जी होगी, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मैच कर रही होगी, इमोशनल एनर्जी मैच नहीं कर रही होगी, कंपेटेबल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ में, तो ऐसे अक्सर लोगों को देखिए जो कहीं ना कहीं एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से एनर्जी एकदम डिफरेंट है, जो चाइल्ड आती है ना तो हेल्दी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी तरह का इशू रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने चाइल्ड का एनालिसिस कराते हैं, हॉरोस्कोप एनालिसिस कराते हैं, तो मैंने देखा उनके कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर रहती है, अप डाउन रहता है अगर कार्मिक के साथ मैरिज हो जाए। लेकिन उसके अपोजिट, अगर आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मैरिज हुई है, सोलमेट भी इसमें मैटर करते हैं, बिकॉज सोलमेट की अगर सिमिलर फ्रीक्वेंसीज है, एक दूसरे से एनर्जी मैच करती है, तो आपकी जो चाइल्ड होगी हायर कॉन्शियसनेस की होगी, वो इमोशनल इंटेलिजेंस से भरी हुई होगी, वो स्पिरिचुअली बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर लेगी। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग जो बॉर्न लिए हैं, एक्चुअली उनके मदर या फादर कहीं ना कहीं सेम फ्रीक्वेंसी पे थे, उनके बीच प्यार की एक ऊर्जा जो हायर वाइब्रेशन है इस यूनिवर्स की, उस स्टेज पे होती है, तो आपका लाइफ ना बहुत अच्छे से जाता है। आपकी जो संतान पैदा होती है वो एक सुसंतान होती है, वो आपका बहुत ज़्यादा भला करती है, आपकी केयरिंग करती है, आपको नर्चरिंग करती है एक बेहतर लेवल पे। वहाँ से भी आपको काफ़ी लेसन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये आपकी डिज़ायर है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिज़ायर है जो आप कंप्लीटनेस के फॉर्म में
पूरी तरह से चले जाते हैं इस डिज़ायर के कारण। उसके बाद धीरे धीरे हायर लेवल पे जाते हैं। ट्विन फ्लेम जब मैरिज कर लेते तो कभी भी बेहतर संतान ना पैदा हो ऐसा नहीं होगा। उस केस में बहुत सारे लोगों की बेहतर संतान पैदा होती है, एक हायर लेवल पे जाते हैं, उनका चाहे करियर अच्छा हो। चाहे मैं ट्विन फ्लेम की बात करूँ तो इसमें सोलमेट भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि सोलमेट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके एलिमेंट्स आपस में मैच कर रहे हैं या आपस में कंपेटेबल हैं। अगर कंपेटेबल हैं तो सेक्चुअल अल्टीमेसी बहुत ज़्यादा हायर लेवल की होगी। वो ओनली फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, वो एक साधना की तरह वर्क करेगा। वो ऐसा वर्क करेगा कि आप एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेंगे इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, मेमोरी को लेवल पे एंड इवन स्पिरिचुअल लेवल पे भी। जब स्पिरिचुअल लेवल तक आप एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, गाइडेंस देते हैं, स्पिरिचुअल टॉक करते हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी बेहतर आपकी सोल है आपके गर्भ में प्रवेश करती है, आगे का उसकी जर्नी भी बहुत ईजी और बहुत ही कम्फर्टेबल होती है। और इसके अपोजिट अब मैं बात करता हूँ सेकंड जो केस है, अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसके डिवाइन मस्कुलिन से मैरिज नहीं हुई है या एक दूसरे के ट्विन फ्लेम से अलग अलग मैरिज हो गई है, ठीक है। कई ऐसे सोसाइटी प्रेशर के कारण, फैमिली प्रेशर के कारण ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम अपनी ट्विन फ्लेम से मैरिज नहीं कर पाते हैं या एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। एक दूसरे को जानते हैं, पहचान भी लिया, रिकॉग्नाइज भी कर लिया, साइनो सिम्टम्स मिल गए, आपको पता चला कि आप इस जर्नी में स्पिरिचुअल भी अवेकन हो गए, लेकिन फिर भी उनकी मैरिज दूसरे पर्सन से हुई है। इसमें दो केसेस हैं। पहला पूरी तरीके से कार्मिक पर्सन से हुई है, तो आपके चाइल्ड को कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, आपको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन अपने चाइल्ड पे देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। उसके हॉरोस्कोप में सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। ईगो प्रॉब्लम उसको रहेगी, वो ठीक से समझ नहीं पाएगा और आगे ग्रोथ करने में भी उसको डिफ़िकल्टी आएगी। दूसरा केस ये है कि अगर सोलमेट से हो जाए, बट वो सोलमेट ऐसा है जो नियर अबाउट नहीं है आपकी एनर्जी के, आपकी एनर्जी जैसे यहाँ पे है, आपके सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे है, मतलब सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक फायर है, एक वाटर है, आप एक को चाहिए एडवेंचर, एक को चाहिए लाइफ में एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एक की ख्वाहिशें, इच्छाएं और कॉन्शियसनेस अलग है, क्योंकि ये मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के प्रकृति और पुरुष के संतुलन से ही एक बेहतर संतान पैदा हो सकती है। वो जो भी लोग इस वर्ल्ड में आए हैं, जो बेहतर स्थिति में पहुंच पाते, कहीं ना कहीं उनके मदर फादर में से कोई एक कॉन्शियस लेवल पे अच्छे होता है, तभी उस तरह की संतान पैदा होती है। अगर नियर बॉड भी वाइब्रेशन है तो बेहतर संतान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपस में अगर प्रेम है, ओनली फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, अगर प्रेम है, प्यार है, लव की वाइब्रेशन एक दूसरे के लिए हैं, तो आप जब सेक्चुअल अल्टीमेसी में जाएंगे तो डेफिनेटली आपके बाद जो बॉर्न लेगा चाइल्ड वो हायर कॉन्शियसनेस का होगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे, क्योंकि समाज हमेशा प्यार का दमन करना आया है। बहुत सारे लोगों मेडिटेशन करने के दौरान हार्ट चक्र पे पेन क्यों होता है? दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कि प्यार हर समय हर एक एरा में दबाया गया है, हर एक युग में दबाया गया है, कहीं ना कहीं रियूनाइट नहीं होने दिया गया है। तो जो प्यार का पेन है, जो सेपरेशन है, वो ऑलरेडी है। प्यार का दमन करने से हार्ट चक्र में इशू आते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो एनर्जी फ्लो बढ़ता है और हार्ट चक्र में पेन होना शुरू हो जाता है। ये इसका सिम्टम है कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। अगर कार्मिक लोगों से मैरिज हुई है तो सबसे पहले दोनों लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। पहली इसकी रेमेडी है कि आपकी जो चाइल्ड है वो बेहतर स्थिति की आए। अगर सोलमेट से हुई है फिर भी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, एक अर्थ है, राइट, एक अर्थ एलिमेंट का पूरी, उसको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, करियर को लेकर उसका फोकस है, वो एक स्टेबिलिटी चाहता है लाइफ में। बट एक एयर है, उसका अपोजिट, जिस प्रकार एक पहाड़ एयर को रोक देता है, उसी प्रकार यहाँ पे एक दूसरे का अपोज करते हैं ये लोग, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। इसका असर चाइल्ड के बॉन्ड पे पड़ता है, उसके हेल्थ और इमोशंस पे पड़ता है, वो उतने बेहतर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता। उस केस में आपको नॉर्मल चाइल्ड से ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत रहती है। अगर दोनों में से कार्मिक अकाउंट्स किसी के बहुत सारे हैं तो डेफिनेटली चाइल्ड पे, बेबीज़ पे असर इसका पड़ता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ हम समझ के कि आपस में उस प्रक्रिया में जाके डेफिनेटली, जैसे तंत्र हम करते हैं तो साधना जब करते हैं तो हमारी कार्मिक एनर्जी रिलीज होती है, तो चाइल्ड बॉन्ड बहुत ही बेहतर स्थिति में होता है, कोई भी इश्यूज़ नहीं आते हैं।
अगर ऐसा इश्यूज आया है, अगर एनर्जी डिफरेंस है एक दूसरे की, यहाँ सिंपल साइंस है, आप इस चीज को समझ रहे हैं तो कंपैटिबिलिटी अगर है, इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत कंपैटिबल है चीज़ें, बहुत कंपैटिबल चीज़ें से देखी जाती है, जैसे शिव हो गया, शक्ति हो गया, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, इस वजह से शुभता उत्पन्न होती है, गणेश जैसा संतान पैदा होती है। गणेश इज अ सिंबलाइजेशन ऑफ जो भी कुछ शुभ हो रहा है, जो भी कुछ पॉजिटिव हो रहा है, गणेश शुभता को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। डैट्स वाई सेम तरीके से आपके रियल लाइफ में भी होता है, अगर आपके कोई डिवाइन मस्कुलिन है, उसकी शायद ही किसी ऐसे पर्सन से होगी जिसकी वाइब्रेशंस बहुत लो हैं, राइट, वाइब्रेशन बहुत कम है, बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी पे है, तो इसका असर आप दोनों की हेल्थ पे पड़ेगा। इसी वजह से नाड़ी मैच की जाती थी और कुंडली मैच की जाती थी, इसके अलावा एनर्जी और एलिमेंट्स मैच किए जाते थे। सिर्फ मंगल मैच नहीं करना है, बहुत सारे सोसाइटी में ये है कि गुड़ मैच कर लिया, मंगल मैच कर लिया और मैचिंग हो गई, इससे मैचिंग नहीं होती है। आपको डिटेल से वीनस को वीनस से मिलाना पड़ेगा, सन को सन से मिलाना पड़ेगा, मून को मून से मिलाना पड़ेगा। एवरी प्लैनेट मैटर करता है, अगर आपके मून मून से मिल रहे हैं तो आपस में अफेक्शन और प्यार तो होगा, अगर आपके वीनस नहीं मिल रहे हैं तो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलगाव हो जाएगा, तनाव हो जाएगा और सेपरेशन हैपनिंग होगा, और इस वजह से इसका असर चाइल्ड के बॉन्ड पे, बेबीज के बॉन्ड पे पड़ता है, उनकी कॉन्शियसनेस पे पड़ता है, वो लोअर डायमेंशंस की जो जो यहाँ पे संतान है वो आती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस फेजेस में आप फंसे हुए हैं कि एक दूसरे की वाइब्रेशन बिल्कुल ही डिफरेंस है, तो खुद पर वर्क करिए, खुद की कार्मिक एनर्जीज को रिलीज करिए, और जितना भी पेन आपकी बॉडी में हो रहा है, कहीं पर भी, बैक में हो रहा है, हार्ट पे हो रहा है, आपके थ्रॉट चक्रा पे हो रहा है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कर्मा रिलीज है। जब ये पूरे प्रॉब्लम्स रिलीज हो जाएंगी तो काफ़ी चांसेस हैं आपके जो बॉर्न बेबीज होंगे वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जाएंगे, अच्छी चीज़ें करके लाइफ में दिखाएंगे और आपकी लाइफ भी हैप्पीनेस से और खुशियों से भर जाएगी। होपफुली ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में किस बेबी को, लोअर डायमेंशन को या आपको हायर डायमेंशन को, किसको इनवाइट कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो होपफुली आज की वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आए, यूज़फुल हो, और आगे दोस्तों मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके, और मेडिटेशन जो मैंने ग्रुप में कराया है उसे वीकली एक बार करिएगा, बहुत इम्पैक्ट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार दोस्तों।